हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का लेक्चर नंबर 9 और आज हमारा टॉपिक रहेगा सेपरेशन ऑफ पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है इसको। सबसे पहला बात ये कि अगर आपने अभी भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो पक्का से पक्का लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और अभी भी फ्री बैचेस में एनरोल नहीं कराए हो तुम लोग तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में विजिट करो और कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हो। 6 स्टेप्स वहां पे लिखे हुए हैं, फॉलो करो और आ जाओ हमारे फ्री बैचेस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो कंट्री है वो कंट्री एकदम मतलब कि वो डेमोक्रेटिक है, जहां पे किसी एक इंसान के पास सारा का सारा पावर नहीं हो सकता, वरना तो वो इस देश का किंग कहलाएगा। तो इस देश के प्रधानमंत्री के पास भी सारा का सारा पावर नहीं है दोस्तों, पावर्स को बांट दिया गया है, ठीक है। सो पावर्स को 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं। सबसे पहले तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी रहती है जो कानून बनाती है, उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहती है जो कानून का पालन करवाती है, इसके बाद एक जुडिशियरी बॉडी रहती है जो न्याय दिलवाती है। तो दोस्तों लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। तो कानून कहां से बन के आता है? पार्लियामेंट से बन के आता है कि नहीं बताइए। इसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कानून को पालन करवाती है, लाइक लॉ को फॉलो भी तो करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। तो लॉ को पालन कौन करवाती है? मिनिस्ट्री या तो डिपार्टमेंट। ये मिनिस्ट्री या तो डिपार्टमेंट्स का एम है कि कैसे वो लोग लॉ को पालन करवाएगी, जो कानून बन के आया है उस कानून को कैसे पालन करवाएगी, ये किसका फर्ज है? ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का काम है ना। इसके बाद थर्ड में आता है मतलब कि जुडिशियरी बॉडी। जो लोग लॉ को पालन नहीं किया है, जो लोग लॉ को फॉलो नहीं किया है, उसको सजा कौन देगी? उसको सजा भैया जुडिशियल बॉडी देगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। और न्याय मतलब कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय कौन दिलवाएगी? जुडिशियरी बॉडी ही दिलवाएगी। तो जुडिशियरी बॉडी कौन है? जो न्याय दिलवाती है। ओके, अगर कोई भी यहां पे बंगाली है या कोई भी यहां पे ऐसा है कि हिंदी नहीं समझता है तो प्लीज आप लोग हिंदी में मतलब कि ट्रांसलेट करके लिख लीजिए अपने अपने लैंग्वेज में, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो कानून को पालन करवाती है, और मतलब कि जुडिशियरी बॉडी मतलब जो न्याय दिलवाती है, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ गए चार्ट फॉर्मेट में, लेकिन हम लोगों को तो भैया लिखना पड़ेगा, इसीलिए आप मीनिंग समझाइए इसका। आइए यहां पे देखिए, मीनिंग है, मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइड्स इनटू द मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस, मतलब कि 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड मतलब कि जुडिशियरी, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और वो जुडिशियरी। ऑल्सो डिफरेंट ऑथर्स गिव डिफरेंट डेफिनेशंस। इन जनरल वी कैन फ्रेम 3 फीचर्स ऑफ द डॉक्ट्रिन, यानी कि एक एक फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ईच ऑर्गन शुड हैव द डिफरेंट पर्सन इन कैपेसिटी, दैट इज ए पर्सन विद ए फंक्शन इन वन ऑर्गन शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गन, यानी कि एक ऑर्गन का फंक्शन दूसरे फंक्शन में नहीं जा सकता। Like, जो लोग लेजिस्लेटिव बॉडी को कंट्रोल करते हैं वो लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी को कंट्रोल नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है ना। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि जो लोग लेजिस्लेटिव बॉडी में मान लीजिए काम करते हैं वो लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अपना अपना काम करो, दूसरों के काम में इंटरफेयर मत करो। क्लियर है कि नहीं बताइए। इसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि जुडिशियल बॉडी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के जज को नहीं बोल सकते कि इसको सजा मत दिलाइए, वो उनका मैटर है, वो उनको डिसाइड करने दो, कोई भी किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और थर्ड बोलता है वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज ए फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्गन शुड स्टिक टू देयर मॉडरेटेड ओनली, यानी कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जुडिशियल बॉडी के का काम कर रही है, वो तो गलत है ना। सब अपना अपना काम करेगी और सब अपने काम से मतलब रखेगी, सिंपल सा बात है, क्लियर है। इसके बाद डस दीज ब्रॉड स्पेयर्स आर
determined, but in a complex country like India, there often arises conflicts and मतलब कि by one branch over the others. इंडिया जैसे कंट्री में कभी कभी कंफ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन रूल्स तो रूल्स है. हर ऑर्गन को, हर ब्रांचेस को अपने अपने काम में फोकस करना चाहिए, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए. इसका मतलब यही है, सिंपल सा बात है. ठीक है, तो दोस्तों इसको प्लीज आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, अपने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से. तो पॉज कीजिए, लिखिए, लिख लिया होगा पॉज करके आपने. चलिए इसको भी पॉज कर लीजिए, लिखिए. अब हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन. सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई डू यू नीड सेपरेशन ऑफ पावर? इसका मतलब यही है कि व्हाई डू यू नीड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट? तो इसका आंसर ये रहेगा, व्हेनेवर देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन सेंट्रल अथॉरिटी, देयर इज अ बाउंड टू ग्रेटर चांसेस ऑफ लाइक यहां पे क्या होता है, मलएडमिनिस्ट्रेशंस होने के चांसेस है यहां पे. ठीक है, तो इसमें करप्शन होने के चांसेस है, नेपोटिज्म होने के चांसेस है, या तो अब्यूज ऑफ पावर होने के चांसेस है. अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक ही जगह एक ही आदमी के पास सारा का सारा पावर रहेगा, तो क्या क्या हो सकता है? करप्शन हो सकता है भैया, नेपोटिज्म हो सकता है, हो सकता है कि अपने बेटे को ही कुछ ना कुछ पोजिशन दे दिया. अब्यूज ऑफ पावर यानी कि पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसीलिए पावर को बांटना जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर होना जरूरी है. किसी एक इंसान के पास सारा का सारा पावर नहीं रहना चाहिए, वरना तो गलत हो जाएगा. दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स द ऑटोक्रेसी डज नॉट क्रीप इनटू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो ऑटोक्रेसी ना आए डेमोक्रेटिक सिस्टम में. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्री रूल, यानी कि कोई मतलब कि बेहुदा बकवास रूल से बचाता है हमेशा सिटीजन्स को. हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर डॉक्ट्रिन कैन बी समड अप एज फॉलोस. लाइक सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके? कीप अवे ऑटोक्रेसी, लाइक किसी एक इंसान पे निर्भर नहीं है कोई. सेफ गार्ड इंडिविजुअल्स लिबर्टी, लाइक इंडिविजुअल्स के लिबर्टी को हमेशा सेफ रहेगा. लाइक हर इंसान अपने मतलब की तरफ से जिएगा. ओके, जियो और जीने दो. इसके बाद हेल्प्स क्रिएट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग क्रिएट कर पाएंगे. इसके बाद की मतलब की जुडिशियरी इंडिपेंडेंस इज मेंटेन्ड. हमेशा इंडिपेंडेंस, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगा. किसी आदमी, किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा. ठीक है, किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि वो डिसीजन लेगा तो वही डिसीजन फाइनल मान लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सेपरेशन ऑफ पावर का यही मोटिव था. और प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम इनएक्टिंग आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस. तो हमेशा लेजिस्लेचर्स को, हमेशा लेजिस्लेचर्स को ये बताता है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो मत करें. लाइक अगर मान लीजिए किसी एक ही इंसान के पास पावर रहता तो वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर देता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है. सेपरेशन ऑफ पावर रूल ऑफ लॉ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, क्लियर है. इसके बाद लेट अस टेक लुक एट सम ऑफ द आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूशन विच सजेस्ट सेपरेशन ऑफ पावर. यानी कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर कौन कौन से आर्टिकल के तहत फॉलो किया जाता है. देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल के तहत फॉलो किया जाता है. सबसे पहले आर्टिकल नंबर 50 बोलता है, द आर्टिकल पुट्स एन ऑब्लिगेशन ओवर द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बट सिंस द फॉल अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इट इज नॉट इन्फोर्सिबल. ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123 बोलता है द प्रेसिडेंट बींग्स एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री. सो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, जो एडमिनिस्टर करेगा, जो पालन करवाएगी लॉ को. ठीक है, इज एम्पावर टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कि जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर रहेगी और जो कानून बनाती है इन सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस है उनके पास, जो साइन करती है, जो मतलब कि जो प्रेसिडेंट यहां पे साइन करके दे देगा उन्हीं का बात मान लिया जाएगा ना, सिंपल सा बात है. इसके बाद आर्टिकल नंबर 121 से 211, दिस प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट एट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. यानी कि 121 और 211 क्या बोलता है कि लेजिस्लेचर हाई कोर्ट को सलाह नहीं दे सकती. हाई कोर्ट अपना डिसीजन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी रहेगा फैसला वो खुद से लेगी, कोई उनको सलाह देने ना जाए.
ठीक है, आर्टिकल नंबर 121 और 211 के तहत ये कहा जाता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 361 क्या कहती है, द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंजॉय मतलब इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सो प्रेसिडेंट और गवर्नर हमेशा इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, इसको अपने कॉपी में आराम आराम से लिख लो आप लोग, ठीक है, और बस हो गया। फिर सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिए, और इसके बाद अपने इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ पावर के लिए, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।